हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और कृषि बिलों को लेकर लगातार घमासान जारी है। अब प्रदेश में कृषि बिलों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों की ओर से किया गया। अब यह सुगबुगाहट केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। प्रदेश के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से कह रहे हैं कि या तो कृषि बिल वापस लिए जाएं या फिर अगर ये बिल कानून के तौर पर लागू किए जाते हैं तो इनमें इस तरह से परिवर्तन किया जाए कि किसान भी उस परिवर्तन से सहमत नजर आए। अब खबर है कि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। हमारी रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट में आप बड़ी करीबी से जानिए कि ये जो फैसला है ये प्रदेश सरकार पर भी किस तरह से असर डालेगा। कृषि बिलों पर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर किसान इस बिल को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस बिल का असर सियासी रिश्तों पर भी पड़ने लगा है। 23 सालों तक एनडीए के साथ गठबंधन कर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शिरोमणि अकाली दल ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले अकाली दल की हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और अब अकाली दल ने एनडीए के साथ 23 साल पुराना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को लगता है कि इस गठबंधन में दरारें कुछ गलतफहमियों की वजह से आई हैं जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसको लगता है कि बिल्कुल लेके उनको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं और वो जल्दी दूर होंगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एनडीए से अलग होने पर अकाली दल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अकाली दल उंगली काटकर शहीद होना चाहता है। अगर वाकई किसानों की लड़ाई लड़नी है तो अकाली दल को एनडीए में रहकर किसानों के हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। गठबंधन इनको आज क्या दिखावा कर रहे हैं, उंगली काट के शहीद होना चाहते हैं ये, जब सारा किसान वर्ग मजदूर वर्ग खड़ा हो गया है, सड़कों पर आ गया है, तो इन्हें पहले नहीं दिखता था क्या इनको एनडीए के अंदर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए थी? ये नहीं लड़े, जब बात पानी सर के ऊपर से बहने लगा तब जाके ये वहां पर अपना रेजिग्नेशन देने लगे। फिर जब दबाव पड़ा, सबने कहा, हमने कहा कि आप क्या दिखावा कर रहे हैं, लोगों ने सवाल पूछे, तब आप एनडीए से बाहर होने की बात कर रहे हैं, तो आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अकाली दल जहां एनडीए से अलग होकर किसानों में मैसेज देना चाहता है कि वो किसान हितैषी है, तो वहीं कांग्रेस अकाली दल पर तंज कस रही है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अकाली दल एनडीए का पुराना सहयोगी है और गलतफहमी दूर होते ही घर वापसी कर लेगा। अंबाला से राजकुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच कुमारी सैलजा ने भी देखिए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आप देखिए कि किस तरह से किसान इन बिलों का भी लगातार विरोध कर रहे हैं और ऐसे में उंगली कटवाकर शहीद होना ये कितना सही है। ये बात भी उनकी ओर से कही गई है कि जब तमाम संगठन बात अगर किसानों की करें, मजदूरों की करें, आढ़तियों की करें, जब वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसे में अकाली दल का ये जो नाता तोड़ना है या फिर इस्तीफे की बात कहें तो ये तो सिर्फ ऐसे है कि उंगली काटकर शहीद होने जैसा है। तो ऐसे में देखिये कुमारी सैलजा ने भी निशाना साधा है। और इसी दौरान अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो लगातार विपक्षी नेता भी सरकार पर वार कर रहे हैं।